नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं संजय यादव। एटीएम मशीन जो 24 घंटे आपके सेवा में हाजिर रहती है, अब उसे सुरक्षा की दरकार है, क्योंकि इन दिनों चोर लुटेरों की नजर एटीएम मशीनों पर है। कहीं एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश की गई तो कहीं गैस कटर से उन्हें काटा गया, और कहीं जोर नहीं चला तो चोर मशीन को ही उखाड़ ले गए। प्रदेश में एटीएम सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। देखिए ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अलवर के राजेंद्र नगर में इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम की है, जहां रात में एक चोर एटीएम लूटने की नीयत से केबिन में घुसा, आराम से मौका मुआयना किया और औजार निकालकर मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सेफ्टी अलार्म बजने के कारण वो सफल नहीं हो सका। दूसरी तस्वीर झुंझुनू के खेतड़ी शहर की है, जहां चोरों का एटीएम पर जोर नहीं चला तो वे मशीन को उठाकर साथ लेते चलते बने। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन सुरक्षा यहां पर बड़ा सवाल बना हुआ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलवर की, झुंझुनू की। देख सकते हैं एक जगह आराम से इत्मीनान से खोला जा रहा है पूरी तरह से एटीएम मशीन को, दूसरी जगह जब एटीएम नहीं खुली तो एटीएम मशीन को ही वहां से उखाड़ कर लेते बने चोर। तो सुरक्षा को लेकर सवाल, बड़ा सवाल फिलहाल इस वक्त बना हुआ है। तो एटीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलवर झुंझुनू। आपको बता दें कि प्रदेश में कई जगह ये शिकायतें लगातार आ रही हैं कि एटीएम की सुरक्षा आखिर कैसे की जाए। चोरों की जो नियत है वो एटीएम मशीन पर लगातार होती रही है। आपको बता दें कि मशीन में जब पैसे होते हैं उस दौरान ये मौका मुआयना करके किसी भी तरह वहां पहुंचते हैं, उसके बाद चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं अलवर और झुंझुनू। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक जगह आराम से चोर पहले शटर खोलकर अंदर आता है, उसके बाद मशीन को खोलता है, दूसरी जगह एटीएम को ही उखाड़ ले जाते हैं चोर अपने साथ। लेकिन पुलिस आखिर क्या करती है, जो बैंक के जिम्मेदार अधिकारी हैं या फिर जो वहां पर गार्ड रखे जाते हैं वो आखिर क्या करती हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लोगों के पैसे होते हैं, आम जनता के पैसे होते हैं, आखिर उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। एटीएम को ही उखाड़ कर लेके जा रहे हैं, बड़ा सवाल बना हुआ है कि सुरक्षा कैसे की जाए। तो कोटा से हमारे संवाददाता मोहम्मद नियाज ने एटीएम सुरक्षा का जायजा लिया, जहां उन्हें एटीएम की सुरक्षा में नजर आई कितनी खामियां, देखिए। हम खड़े हैं स्टेशन इलाके के रंगपुर रोड पर स्टेट बैंक एटीएम के बाहर, जहां हम आपको दिखा सकते हैं कि यहां पर कोई बाहर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा के बैंक की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बैंक के एटीएम के अंदर की बात की जाए तो अंदर भी कोई सुरक्षाकर्मी या कोई कर्मचारी यहां पर मौजूद नहीं है। यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, केवल दिखावे के तौर पर लगे हुए हैं। यहां पर एटीएम मशीन है जो कि चालू है। यहां लोग दिन भर पैसे निकालने के लिए आते हैं और कई लोगों का यहां पर आना जाना लगा रहता है। वहीं रात में भी कई ग्राहक यहां पर अपने पैसे निकालने के लिए आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो बैंक सुरक्षा व्यवस्था की बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि ग्राहकों को अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाए, इन फैसिलिटी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये जो रोड है, रंगपुर रोड का सुनसान इलाका है, इस रोड पर भी कभी कभी भी कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो है नदारद हैं, कभी बैंक ने यहाँ पर लगा ही नहीं। ऐसे में क्या ख्यालात किए जा सकते हैं बैंक के बारे में, ये आप खुद समझ सकते हैं। कोटा से न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हरिराज सिंह के साथ नियाज मोहम्मद। तो बड़ा सवाल बना हुआ है कि एटीएम की सुरक्षा आखिर कैसे की जाए, आम जनता के जो पैसे होते हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। हमारे साथ फिलहाल हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि पीएस परमार जो रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिसर है हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा गंगाराम प्रजापति जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगाराम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि एटीएमओ की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है और आम जनता के पैसे लगातार चोर उड़ाती जा रही है, ये बड़ा सवाल है। परमार जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो एक तंत्र है, क्यों, कहाँ पर ये कमियाँ होती हैं, कहाँ पर खामियाँ देखी जाती हैं जिसके बाद इस तरह की वारदातें लगातार बनती जा रही हैं। हाँ नमस्कार सर, ऐसा है कि सिक्योरिटी जो है बैंक के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसी में सबसे जो कमज़ोर कड़ी है वो एक एटीएम होता है, क्योंकि वो बैंक की बिल्डिंग में होता है या उससे दूर भी हो सकता है जी। उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि वहाँ गार्ड रखा जाए, सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो, और अगर गार्ड
जो है वो बैंक की पॉलिसी के हिसाब से है। जी। कुछ बैंक जो है इसमें नया एक सिस्टम चल रहा है, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें पूरे जो है कैमरे लगे होते हैं, माइक होता है, ऑपरेटर जो सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन में बैठता है वो पूरे एटीएम को नज़र में रखता है, और कोई भी अगर हादसा, कोई व्यक्ति अगर उससे छेड़छाड़ करता है तो वो स्पीकर पे बोल के और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकता है। कुछ बैंकों ने एक नया प्रयोग किया है कि मोबाइल टीम रखने का भी सोचा जा रहा है कि जैसे ही वो ऑपरेटर बताएगा कि किसी एटीएम में ऐसे कोई घटना हो रही है तो उसी टाइम बैंक की जो है मोबाइल टीम वहां पहुंच जाएगी। जी गंगाराम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पूर्व पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, पुलिस की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मौका मुआयना किया जाए, लगातार जो गश्ती दल होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जहां पर एटीएम के क्षेत्र हैं वहां पर मुआयना किया जाए, रात के जो या फिर दिन के जो गश्त होते हैं वहां पर रहना चाहिए या फिर लगातार वहां से आना जाना चाहिए, क्या कुछ लगता है कि पुलिस की भी कहीं ना कहीं खामियां हैं? क्योंकि दो तस्वीरें हमने अभी कुछ देर पहले दिखाई हैं, अलवर की और झुंझुनू की, दोनों पर देखा गया था कि गार्ड तो नहीं थे लेकिन पुलिस का भी कोई अतापता नहीं था घंटों पहले से। बिल्कुल सही है जी। संजय जी, ये जो पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये ऐसे जो एटीएम पे चोरियां करते हैं जब या तो रात्रि को करते हैं या कोई सुनसान जगह होती है वहां पर एटीएम पे जो अटैक करते हैं जी, तो पुलिस का भी आना जाना रहना चाहिए। और ये जो बार बार घटनाएं हो रही है एटीएम, कई एटीएम अपने जयपुर में भी हुए, राजस्थान में भी हुए है, और मैनेजर को भी इसे पाबंद किया जाना चाहिए, जो एटीएम का जो है, जिस बैंक की एटीएम है उनको सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके जिम्मे डालनी चाहिए जी। तो उसमें एक ही जगह दो गार्ड रखे जाए, कई बार गार्डों भी अटैक हुए, गार्ड को भी बेहोशी के इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो गार्डों से और ये सीसीटीवी कैमरों से इनको, चोरों को कोई भय नहीं है। इस समय देख रहे हो आप जी कि वो रुमाल चेहरे पे लगा देते हैं, कभी टेप लगा के, कभी हेलमेट लगा के एटीएम में चोरी कर रहे हैं जी। बिल्कुल। तो फिर बनती है पुलिस, सशक्त जो है एजेंसी है फिर पुलिस बनती है। मैं तो बैंक के जो कैमरों से ये डर रहे हैं और ने इनके जो बैंकों के गार्डों से डर रहे हैं, तो फिर ड्यूटी बनती है पुलिस की, तो पुलिस को लगातार वहां ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन पुलिस का खौफ यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है, लगातार ये इस तरह की वारदातें आ रही हैं, कहीं पर एटीएम को उखाड़ कर ले जा रहे हैं, इतना समय होता है कि एटीएम को साथ लेके चले जाते हैं, उसके अलावा आराम से अपने औजार जो लेकर आते हैं उससे खोलते हैं, पुलिस का खौफ कहीं भी नजर नहीं आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल आपने ये सच कहा है कि एक पुलिस का एक जो है देखने को मिलता है, थानों पे भी लिखा है जी कि आम जनता में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा होना चाहिए, वो आज उल्टा हो रहा है, आम जनता डर रही है और अपराधी बेखौफ अपराध करते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपका कहना सही है, आज लोग घरों में सुरक्षित नहीं है, आज बैंकों के पैसे सुरक्षित नहीं है, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा है घटनाएं घटित हो रही है एटीएम के साथ, और भी अपराध अभी आपके सामने आए। सबसे बड़ा सुरक्षा होता है घर, लोग कहते हैं भाई अपने घर, घर जैसा घर नहीं है, सकुन, कोई कहता है भाई बाहर मत जाओ, अपने घर में रहो, बाहर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु आज तो लोग घरों में सुरक्षित नहीं है, घरों में डर रहे हैं लोग, तो ये बात तो बनती है भाई पुलिस का डर नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी सबको। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो पुलिस को भी, कभी पुलिस में थाने के पास में चोरियां करते हुए या पुलिस वालों की चोरी करते हुए इनको डर नहीं लगेगा अगर यही हाल रहा तो। परमार जी, अगला सवाल आपसे है, आप एक सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं, बकायदा जानते हैं कि जो सुरक्षा के नियम कानून होते हैं वो क्या होते हैं, क्या लगता है आपको कि बैंकों की तरफ से सुरक्षा गार्ड नहीं रखे जाते हैं? सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर बैंक की भी हो रही है। हाँ संजय जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि गार्ड जो है वो ज़रूर होना चाहिए जी। लेकिन बैंकों में अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो उसकी अहमियत, उस स्थान की अहमियत, वहाँ के जो वहाँ के असेसमेंट होता है कि भाई इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंतजाम होना चाहिए, उसके हिसाब से कहीं 24 घंटे गार्ड रखते हैं, कहीं दिन में रखते हैं, कहीं रात के टाइम में जी। बिल्कुल, लेकिन ये आम जनता की गाढ़ी कमाई होती है, इसकी सुरक्षा तो बनती है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने, और
जहाँ तक हो सके अगर गार्ड की सब्स्टिट्यूट है तो उससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होना चाहिए, जिससे कि तत्काल जो है कोई भी हादसा हो रहा हो उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल जाए और पुलिस या बैंक के जो है इमीडिएट रिएक्शन हो जाए। जी जी गंगाराम जी, आपसे सवाल है कि चोरों से ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर दोष दिया जाए तो बैंकों का हो सकता है, क्योंकि अगर बैंक यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कोई गार्ड ही नहीं रखते हैं, कोई यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं करते हैं, तो चोर तो खुले आम लूटने के लिए पहले से तैयार हैं, वो तो मौका देखते हैं उसके बाद धावा बोल देते हैं, लेकिन पहले जिम्मेदारी बैंक की तो होती है कि वहां पर कम से कम सुरक्षा गार्ड रखे जाए। बिल्कुल, ये तो बैंकों की सरासर जो है लापरवाही है, क्यों चोर पहले रेकी करते हैं, देखते हैं किस बैंक में सिक्योरिटी है किस बैंक में नहीं है, और जिस बैंक का कोई गार्ड नहीं है, जिस बैंक का कोई जो है आसपास में कोई जो सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, तो वो चोर सबसे पहले उस पे जो है हाथ डालते हैं, चोरी करते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ जिस बैंक का जो है वो जो ATM है और उस बैंक के जो मैनेजर साहब है उन्हीं को जिम्मेवार ठहराना चाहिए इस बारे में, इस तरह की हरकत क्यों, जनता की गाड़ी कमाई होती है। और ये जो पुलिस ने जब सबको कह रखा है कि पुलिस का निर्देश भी है भाई आप चौकीदार रखे, ATM जहां भी लगाए गार्ड रखे, पर्याप्त मात्रा में जो है उसकी सुरक्षा रखे और पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते रहे गार्ड किस तरह का रखा है आपने, गार्ड की वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए। तो ये जो बैंकों की भी लापरवाही है इसमें कोई दो राय नहीं है संजय जी। जी गंगाराम जी, परमार जी, आप दोनों लोग बने रहिए यहाँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा लगातार जारी रखेंगे।